भारत ने कानपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराते हुए 2 मैच की श्रृंखला में क्लीन स्वीप कर लिया। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के ब्रांड ऑफ क्रिकेट बैजबॉल की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे धूम धड़ाके के साथ कानपुर में फतह हासिल की। आज से 8 से 10 साल पहले खेले जाने वाले अधिकतर टेस्ट मैच बोरिंग और पकाऊ ही होते थे। सारे के सारे मैच ड्रॉ पर ही खत्म होते थे। टेस्ट मैच में रिजल्ट निकलते देखना किस्मत की बात होती थी। खास तौर पर भारतीय टीम जीतने के लिए नहीं बल्कि हार से बचने के लिए ही खेला करती थी। मगर अब टेस्ट क्रिकेट का टेम्पलेट बदल चुका है। सफेद कपड़ों में अब एग्रेसिव माइंडसेट वाले प्लेयर्स खेल रहे हैं। भारतीय टीम के लिए कानपुर टेस्ट इसकी जीती जागती मिसाल है। 2 दिन में टेस्ट मैच जीतना असंभव था। यह नए मुख्य कोच गौतम गंभीर की लीडरशिप में पहली टेस्ट सीरीज जिन्होंने राहुल द्रविड़ से जिम्मेदारी ली। गौतम गंभीर ने अपने पहले ही टेस्ट असाइनमेंट में इरादे जाहिर कर दिए हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत ने इंग्लैंड के बैचबॉल स्टाइल के चिथड़े उड़ा दिए हैं। जिस टेस्ट मैच में बारिश के चलते शुरुआती 3 दिन में सिर्फ 35 ओवर का खेल हुआ हो वहां आखिरी 2 दिन में रिजल्ट निकलना असंभव ही कहा जाएगा, लेकिन भारत ने कर दिखाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय बल्लेबाजों ने पूरे टेस्ट में एक भी ओवर मेडन नहीं खेल और हर गेंद पर पिटाई। 4th दिन जब धूप खिली और मैच शुरू हुआ तो हमारे गेंदबाजों ने बांग्लादेश को घुटनों पर ला दी। सिर्फ 233 रन पर समेटने के बाद T20 स्टाइल में बैटिंग की और 8 के एवरेज से बल्लेबाजी करते हुए 285 रन पर अपनी पारी घोषित। इस आधार पर भारत को 52 रन की लीड मिली। 4th दिन ही भारत ने बांग्लादेश के 2 विकेट गिरा दिए थे। आखिरी दिन बांग्लादेश की पारी 146 रन पर सिमट गई और भारत को जीत के लिए 95 रन का लक्ष्य मिला, जिसे आसानी से पाते हुए इतिहास रच दिया।